गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका क्वेश्चन सॉल्व वाला में तीसरा टाइप वीडियो आ जा रहा है। इससे पहले तो क्या हुआ है, क्या बोले थे, मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियोस दूंगा, उस सारे को समझ के रखना है और असली पढ़ाई शुरू हो जाएगा चेंज नो चेंज से। क्योंकि मैंने यहाँ एरो लगा के रखा है ना कि एम आई और प्लस माइनस स्क्वायर काम नहीं करता है किसके बिना, इसके बिना। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ये उसको मिलाएगा। तो 5 मिनट का सिर्फ वीडियो देखो, बात खत्म करो। फार्मूला नंबर 3 है प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 ट्रिगो। तो स्क्वायर वाला कहीं पे देखो तो नजर आ रहा है, मेन कॉन्सेप्ट तो यही आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, एक जगह यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे स्क्वायर देख लो तो इसका मतलब प्लस और माइनस में स्क्वायर तो यहीं पे है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट उठेगा, कॉन्सेप्ट यहीं से उठेगा। या तो आप इसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिखोगे, या तो आप इसे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिखोगे। देख लो यहाँ से एक को उधर भेज के, या तो फिर आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, पी स्क्वायर लिखो। इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया था, ट्रिगोनोमेट्री इज रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स। रेशियो में आया नहीं आया तो एच उठ के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, और ये एच तो उठ के इसके नीचे आया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक। सिमिलरली एच स्क्वायर के नीचे में बी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर के नीचे में बी स्क्वायर आएगा और ये एक। ऐसे ही इसको एच स्क्वायर के नीचे में पी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर के नीचे में पी स्क्वायर आएगा, बराबर कितना हो गया, एक। तो देखो तब पी बट्टा एच, उसको देखो भी मत, क्या बोले थे, थीटा के सामने वाला पी, तो पी से साइन, तो पी आ गया, इसीलिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर। चाहो तो तुम यहाँ से मिला लेना, थीटा के साथ वाला बी तो कॉस, तो इसीलिए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये ना हो गया। अब इसके पास आओ तो दुए को चीज़ याद रखना है, थीटा के सामने पी और साथ में बी, तो ना पी है ना बी है, तो नीचा में तो है ना, उल्टा हो गया ना, बी मने कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक, तो ये क्या दे देगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो पी मने साइन बी मने कॉस, तो साइन बट्टा कॉस ये क्या बनाता है, टेन, तो मतलब क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। सेम यहाँ सोचो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, कभी भी ऐसा मिले तो एक लिख देना, कभी भी ऐसा मिले तो एक लिख देना, कभी भी ऐसा मिले तो एक ले देना। यूज जब यही जो लिखा हुआ है वही प्रश्न में प्लस या माइनस के साथ पावर में, देखो मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, पावर में ट्रिगो, तो इसका यूज करना। अब कुछ चीज को सुन लो, पहले तो इसको उतार लो, क्यों यहीं से उतारना, यही आज का कॉन्सेप्ट है। अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो फार्मूला काम यहाँ पे नहीं करेगा, तो उसको क्या करेंगे, अलजेबरा के कुछ फार्मूला से पावर को रिड्यूस करेंगे। साथ में इससे मैंने थोड़ा सा गलती किया, यहाँ पर साइन को रख लेते लेते तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। सेम चीज़ यहाँ सोच के बना लो, और ये मैंने वीडियोज नंबर 2 मेरा ट्रिगोनोमेट्री का देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में भी इस बात को मैंने बताया था, यहाँ तो यूज बताऊंगा ना, तो इसीलिए वहाँ से अपना इसको ठीक कर लेना, और चाहो तो तुम अपना दिमाग लगा के एक को इधर इधर कर लोगे। अब यूज कैसे करेंगे, पावर 2 लाएंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ अलजेब्रा का फार्मूला आपको देखना होगा। इसको उतार लिया, मैं अलजेब्रा का फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक ना, वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब मतलब पावर 2 से ज्यादा रहने पर, ज्यादा रहने पर पहला फार्मूला, अगर कहीं पे ऐसा कर देना है अब प्लस ऐसा कर देना है, 2 से ज्यादा पावर रहे तो, समझ रहे हो, इसको ऐसे नहीं, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। मान लो कि a का पावर 4 है और b का पावर 4 है, तो आपको करना क्या है, a का पावर 2 का होल स्क्वायर कर देना और जोड़ बी का पावर 2 का होल स्क्वायर कर देना, ठीक ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसी पे सजा देना इसको। तो मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, मेरा ए तो ये ब्रैकेट का काम करेगा, होल स्क्वायर और माइनस टू, देखो पावर दो आ गया ना, ऐसे ही देखो ए का पावर छः प्लस बी का पावर छः हो तो इसे ऐसे लिख देना, ए स्क्वायर का पावर तीन जोड़ बी स्क्वायर का पावर तीन। तो ये फार्मूला किस पे चला गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब हुआ इसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या लिखेंगे, ऐसे ही ना, प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी सवाल को इसके हिसाब से सेट कर देना। अभी देखो कोई ना कोई फार्मूला दे ही देना चाहिए, तो अपना जो फार्मूला दे अपना लगा लेना, लेकिन देखो तो ये सेम ये इसी के जैसा फिर से हो गया कि नहीं, तो यहाँ से पेस्ट कर लो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है दो। उसी प्रकार से ए का पावर छः माइनस बी का पावर छः का खुद से तैयार कर लो, ये चला जाएगा इस फार्मूला पे। तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तुम क्या करना है कि ए और बी मत लिखा करना, तुम्हारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री होगा ए के जगह पे पहला ट्रिगोनोमेट्री और बी के जगह पे दूसरा ट्रिगोनोमेट्री डाल देना। एंड लास्ट फार्मूला, ये तो सब कोई जानता है, कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, लेकिन हम पावर चार के हिसाब से चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों को एक बार जोड़ देना और दोनों को एक बार घटा देना। ऐसे ही अगर पावर इसका है अच्छे तो हो ही गया, ऐसे ही सब के लिए सोचना, आठ दे दे पावर, दस दे दे पावर, तो तुम इसी तरीका से कुछ आइडियाज लगाना जिससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अभी देखो हम बार बार बोल रहे हैं पढ़ाई तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अभी ये सब आपको अच्छा से समझ जाना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आप समझ रहे हैं और आपके दिमाग में आ रहा है। अब जो वीडियो जाएगा आपका पढ़ाई स्टार्ट। देखने के लिए धन्यवाद।